नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय करेंसी पर, जहाँ दी जाती है पुराने नोट व सिक्कों की सही जानकारी। मैं हूँ आपका दोस्त महेश प्रजापत। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 रुपये के नोट पर जिस पर हस्ताक्षर हैं डी सुब्बा राव के। इन डी सुब्बा राव के हस्ताक्षर वाले नोटों में एक वेरायटी आई थी विदाउट रुपीज सिंबल और विद रुपीज सिंबल की, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये नोट बहुत ही कीमती नोट है जिसकी जानकारी आपको किसी भी YouTube वीडियो में आज तक नहीं दी गई होगी। ऐसे डिज़ाइन के 100 रुपये के नोट पर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। ऐसे 100 रुपये के नोट पर आने वाले कीमती स्टार नोटों पर और एक और वीडियो बनाई थी। ऐसे ही 100 रुपये के नोटों में आने वाले मिल नोट पर जिस पर हस्ताक्षर थे डी सुब्बा राव के, जो जारी हुआ था 2014 में। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है और साथ में ज्ञानवर्धक भी, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सके, क्योंकि हम पुराने नोट और पुराने सिक्कों पर वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर मुशरफ जी का कमेंट आया था। उन्होंने हमसे पूछा था, सर मेरे पास 100 रुपये का नोट है जिस पर साइन है डी सुब्बा राव का और विदाउट रुपीज सिंबल है और ईयर 2012 है, एल इंसर्ट है, इसका क्या प्राइस होगा। दोस्तों, ये कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और विदाउट रुपीज सिंबल की 100 रुपये के नोट पर यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं है, इसलिए खास वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, रुपीज सिंबल की शुरुआत 2011 से होती है। 2011 से पहले 2010 के अंदर रुपीज विदाउट रुपीज सिंबल के 100 रुपये के नोट चलते थे। दोस्तों, मेरे पास ये दो नोट हैं, एक तो है रुपीज सिंबल के साथ और एक है विदाउट रुपीज सिंबल। और इन दोनों नोटों की बात करें तो ये दोनों ही नोट 2011 और 2011 के हैं। दोस्तों, यह भी डी सुब्बा राव के सिग्नेचर वाला नोट है जो विदाउट रुपीज सिंबल है। आपको यहाँ कोई भी रुपीज का सिंबल नहीं दिखेगा। और एक ये नोट है, यहाँ पर रुपीज का सिंबल दिखाया गया है, ये भी 2011 का नोट है। आप ध्यान से देख लीजिए इन दोनों नोटों को, और दोनों ही नोट 2011 के हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा मुशरफ जी का जो कमेंट था वो था कि 2012 का डी सुब्बा राव का नोट है विदाउट रुपीज सिंबल। दोस्तों, ये एक एरर नोट है और ये वेराइटी 2011 और 2012 के डी सुब्बा राव के नोटों में पाई जाती है, जिस कारण ये रेयर नोट बन जाते हैं 2011 और 2012 के विदाउट रुपीज सिंबल के नोट। दोस्तों, ये विदाउट रुपीज सिंबल के नोटों की कीमत की बात करें तो कन्फर्म तो नहीं कह सकता कि इनकी कीमत कितनी है, लेकिन इन नोटों की कीमत 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे नोट हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे 100 रुपये के पुराने नोट पड़े हैं तो उनमें तलाशने की कोशिश करें कि विदाउट रुपीज सिंबल के नोट, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही कम मात्रा में जारी हुए हैं और इन नोटों की भविष्य में और भी ज़्यादा कीमत बढ़ सकती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताइए। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ डालें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर साथ में बेल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें।